तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त एड ऑन जिसका नाम है मॉर्फ V3 एड ऑन। इसमें आप दूसरे जितने भी एनिमल्स हो उसमें चेंज हो सकते हो, प्लेयर में भी रह सकते हो, आपको जो पसंद है उसमें आप चेंज हो सकते हो और उसकी लाइफ जी सकते हो माइनक्राफ्ट के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर देना, पहले ही बता देता हूँ क्योंकि लास्ट में ज़्यादा लोग रहते नहीं। और ठीक है, हम शुरू करते हैं डाउनलोड कैसे करते हैं इसे। तो सबसे पहले इस एड ऑन के डाउनलोड की लिंक यानी कि इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको बस उस लिंक पर क्लिक कर देना है, आप इस पेज पर पहुँच जाओगे। आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और फिर वहाँ पे आपको डाउनलोड मिल जाएगा रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक का। उसके पहले देख लो ये सेटिंग्स ऑन करने, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो रिसोर्स ये देखो इतने वर्जन के लिए काम करेगा। और ये देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन रिसोर्स पैक डाउनलोड करने के लिए उस पर क्लिक कर देंगे, फिर आपको ग्रीन कलर की लिंक मिलेगी linkvertise.com की, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर पहुँचने के बाद आपका ये कैप्चा आपको क्लियर करना पड़ेगा, आई एम नॉट अ रोबोट, वही पुराना वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे linkvertise.com पे आपको फ्री एक्सेस विद एड्स पे क्लिक कर देना है। फिर डिस्कवर इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पे क्लिक करके एक आर्टिकल आपको ओपन कर लेना है कुछ सेकंड तक। इसके लोड होने के बाद आपको बैक बटन दबाना है। फिर पीछे आने के बाद आपको एग्जिट का बटन दबाना है। फिर आपको कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो फिर वेट करने के बाद जैसे ही वो सेकंड का टाइमर ख़त्म होगा आपको एग्ज़िट बटन फिर से क्लिक करना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आप मीडिया फायर के वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जहाँ से आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो रिसोर्स पैक डाउनलोड होने के बाद आपको जो है बैक आना है और फिर से सेम प्रोसेस करना है, एकदम सेम टू सेम बिहेवियर पैक के लिए। और फिर देखो अपना बिहेवियर पैक भी मैंने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे। फिर दोनों ही फाइल्स डाउनलोड होने के बाद आपको अपने ZHUR को ओपन कर लेना और वहाँ पे जाना जहाँ पे अपने फाइल्स को डाउनलोड कर रखा है। तो डाउनलोड में जाऊंगा मैं अपने जहाँ पे फाइल्स हैं वहाँ पे बिहेवियर पैक पे होल्ड करना है, फिर कट का ऑप्शन आएगा, फिर डिवाइस मेमोरी में जाना है, फिर गेम्स में जाना है, com.mojang में जाके बिहेवियर पैक्स में जाके उसे पेस्ट कर देना है। फिर पेस्ट करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट हियर करना है। फिर बाद में हम जाएंगे फिर से डाउनलोड फोल्डर में, अभी बारी है रिसोर्स पैक की, उसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। फिर डिवाइस मेमोरी में जाएंगे, फिर गेम्स में जाएंगे, com.mojang में जाके रिसोर्स पैक में जाना है अपने को, फिर वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, फिर एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना। फिर अभी अपना माइनक्राफ्ट ओपन करना है। तो फिर आपको जिस भी वर्ल्ड में खेलना है इस एड ऑन के साथ, आपको सिंपली उसके वर्ल्ड में जाना है। वर्ल्ड के सेटिंग्स में सबसे पहले आपको बिहेवियर पैक में जाना है और इस एड ऑन को एक्टिवेट कर लेना है। और फिर बिहेवियर पैक में एक्टिवेट करने के बाद वो रिसोर्स पैक में अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। फिर बाद में गेम में जाना है और फिर बाद में एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले सारे ऑन कर देने, जितने भी यहाँ पे दिखाई दे रहे वो सब ऑन कर दो। फिर बाद में वर्ल्ड को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। फिर ये एड ऑन को यूज़ करने के लिए देखो सबसे पहले आपको जो मॉर्फ का मॉड मिलता है मतलब मेन्यू, वो खाली रहेगा। यूज़ करने के लिए आपको क्राउच करके जंप करके, तो फिलहाल तो मेन्यू खाली है क्योंकि हमने किसी को मारा नहीं, तो हम काऊ से शुरुआत करते हैं, काऊ को मार के। ओके, काऊ को मारने के बाद देखो अनलॉक्ड काऊ मॉर्फ। अगर आप अभी इसको यूज़ करने के लिए आपको फिर से क्राउच करना है, जंप करना, ग्राउंड पर टच करना है, फिर क्राउच छोड़ के बीच में जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना, और जब तक काऊ नहीं आती तब तक आपको वैसे ही रहना है, फिर क्राउच करके जंप करना है, फिर आप काऊ बन जाओगी। फिर काऊ और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि आप किस किस में चेंज हो सकते हो। तो अभी सबसे पहले मैं आप देखो खुद के प्लेयर में चेंज हो जाता हूँ, फिर बाद में इस शिप को मारूँगा शिप में चेंज होने के लिए, देखो शिप का मॉर्फ, फिर क्राउच करूँगा, फिर जंप करूँगा और फिर टच करना है, बस अनक्राउच करके यहाँ पे टच करना है, जब तक शिप का ऑप्शन नहीं आता यहाँ पे टच करना है, फिर बाद में क्राउच करके जंप करना है और आप शिप बन जाओगे। तो फिर बाद में देखो शिप, अभी हम पिक को मारते, चलो पिक दिख चुका है, इसको भी मारते और पिक, अभी पिक भी अनलॉक हो चुका है, क्राउच करके जंप करनी है बस आपको। देखो पहले पिक का ऑप्शन, ओके, ऐसा आने के बाद आपको बीच में क्लिक करते जाना और पिक आने पे आपको क्राउच करना है, फिर जंप करना है और आप पिक बन जाओगे। मैं आपको बता था अभी किस किस में आप चेंज हो सकते हो, जितने भी मॉब से आपको दिखाई दे रहे, क्रीपर्स, जॉम्बीज, जॉम्बी पिगमैन, स्केलेटन, ब्लेज, चिकन, या फिर शीप हो गया, पिग हो गए, काऊ, स्पाइडर, आयरन गोलेम, स्नो गोलेम, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी है विलेजर, कैट, वुल्फ, और उसके बाद आ जाते हैं बैट, अपना चंगादड़, और फिर देखो बैट में भी आप चेंज हो सकते हो। फिर बैट के बाद जाते हैं स्लाइम, स्लाइम में भी आप चेंज हो सकते हो, और फिर बी, और फिर फाइनली गास्ट, और उसके बाद वैक्स। बस इन सब में आप चेंज हो सकते हो, बस चेंज होने के लिए आपको उनको एक बार मारना पड़ेगा। ओके, इतना आप समझ गए होगे। अब वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आती है तो, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट देख लेना पहले, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना।
मैं अगली वाली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, अपडेट्स मिलने मिल वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ अपडेट्स की, वीडियो आने वाली है कब कब। तो ठीक है, चलो बाय।